वक्त
एक आबिद मुसल्ले पर बैठा है, उसके बाजू में एक मुर्गी है, बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पर नोचने लगे। आबिद को चाहिए था अपनी नमाज मुख्तसर करता, उस मुर्गी को उन बच्चों से छुड़ा देता, मगर आबिद है चूँकि उसको सिर्फ इबादत का शौक है, उसने नमाज को इतना तूल दिया कि बच्चों ने इसके इतने पर नोचे कि मुर्गी वहीं मर गई। इधर वो मुर्गी मरी, परवरदिगार ने हुक्म दिया जाओ इस आबिद को ज़मीन फाड़ के इसमें दफना दो, नहीं चाहिए मुझको इसकी इबादत। घर किसकी रात है, इबादत अल्लाह की कर रहा था। मुर्गी हमारे सामने एक हकीर चीज़ है, मगर अल्लाह की मखलूक है। उस पर यह वाजिब था कि अपनी नमाज को मुख्तसर करता, उस मखलूक की हिफाजत करता। तो जब परवरदिगार एक छोटी सी जिसको हम लोग मखलूक कह रहे हैं, उस मखलूक की अजियत को गवारा नहीं कर रहा है और इबादत नहीं कबूल कर रहा है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट में जो आ जाएगा, क्या परवरदिगार उसकी इबादतों को कबूल करेगा? एक सवाल के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सवाल यही हुए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस दिन शहीद हुए, बड़ा बरकत वाला दिन है, किसी का जवान मरने के बाद उसके माँ बाप से पूछे कि उस दिन बहुत अच्छा दिन है, अल्लाह ने आपके नेक लड़के को बुला लिया, तो हम जाने के माँ बाप के आपको जवाब देते हैं, रसूल का नमाज़ा। आज रिसर्च करने वाले, जो स्टडी करने वाले, वो भी पड़ोसी हमारे पूछते हैं कि बताओ कि जो कहा जा रहा है कि 10 दिन में नया सामान खरीदना चाहिए, इसमें बरकत होगी, तो हमने कहा बरकत होती। मुहर्रम मोहतरम महीना, साल के 4 बड़े मोहतरम महीने, जिसमें मुहर्रम भी है, ज़िका ज़िलहिज्जा मुहर्रम और रजब, ये 4 इतने मोहतरम महीने हैं कि 12 महीने में ये 4 महीनों को अल्लाह ने फजीलत दी है, इसके भी पूरे महीने के रोज़े हैं, मगर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद आशूर का रोज़ा मकरूह हो गया है। आशूर का रोज़ा नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? यहाँ पर जिस चीज़ में कराहियत है उसी को मकरूह कहते हैं, क्योंकि रिवायतों में ये है कि यजीद की माँ ने माना था कि मेरे बेटे को फतह होगी तो मैं रोज़ा रखूँगी और कबूली से रोज़ा खोलूँगी, चने की खिचड़ी बनती है उससे ये लोग रोज़ा खोलते हैं, तो जो चीज़ में कराहियत है हम उसको मकरूह कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले मोहतरम महीना था, है और रहेगा, मगर जो खुशी का थी वो खुशी के सामान अब नहीं हो सकती, क्योंकि इमामत जो है उसूल दीन में है और रोज़ा जो है वो फरोए दीन में है, तो फरोए दीन से ऊपर है उसूल दीन। अगर उसूल दीन हमारा सही होगा तो हमारी रोज़ा नमाज कबूल होगी। एक बेटा अगर मुस्तहब रोज़ा रखना चाहता है और उसका बाप कह दे कि मैं राज़ी नहीं हूँ तेरे इस रोज़े से, बेटा मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकता है, शर्त है। इबादत और चीज़ है, आदत और चीज़ है। बहुत सारे पूछते हैं कि नमाज जब नहीं उठ पाते हैं सुबह में, कभी भी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने से बेहतर है पढ़ सकते हैं, मगर हम तलाश करें कि नमाज शब का अव्वल वक्त है क्या, फजीलत कहाँ में रखी है। जोहर की नमाज 1 बजे की अजान हो गई, आप 5 बजे तक पढ़ सकते हैं, मगर देखिए कि आपकी नमाज कितनी कबूलियत की हद पर है। कहते ना वक्त के ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी तो अल्लाह कबूल करेगा, अगर वक्त के बाद आप नमाज पढ़ेंगे तो जैसे आप बाथरूम में जब जाते हैं नहाने के लिए मैला कपड़ा उतार के बाथरूम में डालते हैं, इसी तरह हमारी नमाज होगी। अगर हमने वक्त पे नहीं पढ़ी, अब अल्लाह चाहे वो हमारी नमाज कबूल करे, अल्लाह चाहे तो वो हमारे मैले कपड़े की तरह बाथरूम में डाल दे। नमाज हमने पढ़ी,
मगर नमाज अव्वलन वक्त पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। एक सलवात भी इबादत ये अहले अजा अय्याम अजा ये अल्लाह ने मुस्तहब रखा, रसूल अल्लाह ने मुस्तहब बताया है, मगर ये ऐसा मुस्तहब मुअक्किद है क्योंकि इसी से हमको अहकाम समझ में आते हैं, इसी से हमको अकायद समझ में आते हैं, इसी से हमारी अखलाकी आदतें संवरती हैं। यानी ये दरसगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस मामूली चीज़ नहीं है, इससे हमको हर चीज़ मिलती है, इससे हमारी रूह पाक होती है, रूह को तक़वियत मिलती है। जितनी देर फर्श अज़ा पर बैठेंगे 124,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम से मुसाफा होता है, जितनी देर फर्श अज़ा पर हैं कहीं ना कहीं हमारी बीवी बैठी होंगी, तो कम से कम हम उनकी बीवी अपनी बीवी के साथ हैं। लाख हमारी गुनहगार आँखें ना देखें मगर कम से कम अज़ादारों की फहरिस्त में हमारी बीवी हमारा नाम तो लिए जाएंगी। तो ये जगह वो है कि जिससे हमारी इबादत में शुमार होता है। मजलिस हो रही है, आपको घर पे टाइम नहीं मिला, आ गए माँ पाड़ू में, मजलिस हो रही है मगर हम नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए, कितनी कबूल होगी आपकी नमाज? क्या गारंटी है वो कबूल होगी? सबसे पहली चीज़ आपने वक्त का ख्याल नहीं रखा, दूसरी चीज़ मजलिस और नमाज को टकराना नहीं चाहिए, तीसरी चीज़ आप रियाकारी में आ गई कि लोगों के दरमियान ये हो गए नहीं भाई वो नमाज़ बराबर पढ़ती है, हमने देखा है उसको, जिस किसी ने भी गवाही दे दी आपकी नमाज नमाज ही नहीं है। उससे बेहतर है कि या तो आप घर से पढ़ कर आएँ या फिर घर जाकर ही पढ़ें। अगर हमको फिक्र होती तो हम सारे काम घर में छोड़ के पहले नमाज पढ़ते, मगर इंसान को जब इज्तिमा में बैठता है तो उसको हर चीज़ याद आती है, हर वो चीज़ जो मजलिस इमाम हुसैन में होती है वो सब याद आती है। मगर मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी वक्त हमारे दिल में उतरेगी जिस वक्त हम रूह और जिस्म दोनों तरीके से सफ़ अदा कर बैठेंगे। कितने लोग ज्यारत करते हैं, ज्यारतों पे जाते हैं, अस्सलामुअलैका या अबा अब्दिल्ला, सलाम वाजिब नहीं है मगर जवाब वाजिब है। आम इंसान के लिए वाजिब है तो यकीनन इमाम के लिए भी वाजिब है जवाब देना। हम सलाम तो कर देते हैं मगर कभी हम जवाब सलाम सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारी मारिफत नहीं। मगर एक जवान ने, एक आलिम ने ख्वाब देखा है कि वो जवान आया है रोजे में, उसने खड़े होके कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया, उसने मुस्कुराया इमाम के जवाब पे। आलिम ने ख्वाब देखा, आलिम का ख्वाब है, हमारा आपका ख्वाब ख्वाब होगा, बादशाह ख्वाब देखे उसका ख्वाब अलग होगा, उसकी ताबीर अलग होगी, मगर आलिम जो ख्वाब देखे उसका ख्वाब अलग होगा। फिक्र में हो गया कि कौन जवान है कि जो इमाम से उसको सलाम कर रहा है और इमाम मुस्कुरा के उसको जवाब दे रहे हैं। फिक्र में है वो आलिम, आए सुबह में ज्यारत के लिए इमाम की, सारा दिन रोजे में बैठे हैं, क्या देखा? एक जवान वो जिसने रात को जिसको देखा था ख्वाब में वही जवान आया है। जैसे ही उस जवान ने सलाम किया तो उसके बाद वो मुस्कुराया, समझ के ये वही शख्स है जिसको मैंने रात ख्वाब में देखा था। फौरन उठ गया है, गए जवान बड़ा मर्तबा है तेरा इमाम हुसैन की नज़र में, तू सलाम करता है इमाम तुझे जवाब देते हैं, कहता मैं तो जब आता हूँ मेरे इमाम को सलाम करता हूँ तो मैं उनका जवाब बराए रास इमाम को देख के इमाम मुझे मुस्कुरा के देते हैं जवाब। क्या काम तूने ऐसा किया कि जो इमाम की नज़र में तू इतना अजीम हो गया? कोई उसने आजादारत आशुरा के अमल नहीं किए थे, उसने किसी किस्म के अमल नहीं किए थे, मगर देखें कि हमारा इमाम चाहता क्या है हमसे। हमारा इमाम अल्लाह ने रसूलल्लाह को कह दिया था, ए मोहम्मद मैंने इबादत इसलिए वाजिब नहीं करार दी कि तुम इतना अपने जिस्म को थका दो, अब तुम्हारे पैरों पर सूजन हो जाती है, इतना नहीं थकाओ,
कायनात का रसूल, मगर अल्लाह क्या कह रहा है, इबादत इबादत। यहाँ के ऊपर वो आलिम कहते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो ये बात, कहते हैं नहीं मुझे तुम बताओ कि कौन सा अमल है भाई, आलिम दीन है वो। एक एक चीज कहते हैं ना कि इंसान, बुजुर्ग अगर हमको कुछ कह रहे हैं तो बुजुर्गों ने जिंदगियां गुजारी हैं, उनके लम्हे अलग अलग लोगों के साथ गुजरे हैं, हालात के साथ इंसान को एक्सपीरियंस आ जाता है। तो इस तरह से वो कहते हैं नहीं मुझे बताओ क्या बात है, कहते हैं कुछ नहीं, मैं यहाँ से कुछ मील के फासले पे रहता हूँ, कुछ 5-6 मील का फासला है, या याद नहीं है कि 80 मील है, बहरहाल बहुत काफ़ी मील की दूरी के ऊपर घर है। तो हर शबे जुमा एक हफ्ता मैं माँ को लेकर आता हूँ, एक हफ्ता मैं अपने बाप को लेकर आता हूँ, और शबे जुमा आके मामू हुसैन के रोज़े पर ज़्यारत करते हैं, चले जाते हैं। एक शबे जुमा मेरे बाप ने कहा बेटा मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मुझे तू साथ ले चल, क्या पता आपकी शबे जुमा नसीब हो ना हो। तो कहता है ठीक है, वो कहता है सवारी भी आज सही नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गई है, मगर चलिए मैं आपको सवारी पर बिठा दूंगा, मैं पैदल चलूंगा, क्योंकि सवारी दो को नहीं ले पाएगी, बहुत कमज़ोर हो गई है वो। उसने किसी तरह अपने बाप को सवारी पर बिठा दिया, बूढ़े हैं खुद पैदल चलने के लिए, पीछे से माँ ने कह दिया बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अब तेरे साथ चलूँ, क्या पता ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आती शबे जुमा नसीब हो ना हो। सलाम हो उन माँ बाप पर भी कि जो मौत को इतना यकीन की मंजिल पर रखते हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुश्ताक हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, मजबूर हैं, हाथ पैर से भी नहीं चल सकते हैं, मगर इतना इश्तियाक है, अगर हमारा इमाम भी सलाम हो, करोड़ों करोड़ों सलाम हो, एहसान है हम पर इमाम का। तो कहता है कि मैं जो हूँ तो पैदल चलूँगा, और बाबा को सवारी पर बिठाया है, वो कहती तुम कुछ भी करो बेटा मुझे भी लेकर चलो साथ, औलाद हो भी तो ऐसी होना चाहिए, बाकियातुस्सालिहात है, बाकियातुस्सालिहात यानी हम जब मर जाएं तो हमारा बच्चा नेक काम अंजाम दे, इसलिए लोग बच्चों की तमन्ना करते हैं, बच्चों की तमन्ना करना ये ज़रूरी है। जनाब ज़करिया ने भी ये कहा था कि मुझे मेरा वारिस चाहिए जो मेरे काम में वारिस हो। तो तमन्ना जिस तरह करते हैं वैसे खुशनसीब है वो माँ बाप कि जो वैसी तरबियत करते हैं कि जो उनका बच्चा उनके बाद ऐसे काम अंजाम दे कि माँ बाप को भी जन्नत मिले और जन्नत में आला मकाम मिले। बहरहाल जब माँ ने इसरार किया कि नहीं मुझे ले चलो, तो उसने अपनी माँ को झिड़का नहीं, उसने अपनी माँ को कोई लफ्ज़ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है। बाप से ज़्यादा माँ बूढ़ी थी, औरत जल्दी बूढ़ी होती है बनिस्बत मर्द के। इसने क्या किया, या माँ को तो सवारी पे तो बैठ ही नहीं सकते, इसने अपनी माँ को पीठ के ऊपर रख दिया, पीठ के ऊपर, और पैदल चलना है और सवारी पे बाप है, सवारी की हाथ में लकड़ू ही पकड़ा गया। इतना लंबा सफर, ऐसे आलम में जब वो जैसे ही हरम इमाम हुसैन में पहुंचा और जैसे ही जरिए मुबारक के पास पहुंचा, माँ को उतारा, उसने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, तो उसने अपनी आँखों से देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के उसको अपने बाजुओं में ले रहे हैं, और उसको जवाब दिया इमाम ने। उस दिन से वो जब भी रोजे में आता है हमको इस दर से बहुत कुछ मिलता है, हम चाहें तो ले लें, क्यों हमारा माशरा नहीं बदलता है।
अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदल सकता जब तक कौम खुद नहीं अपने आप को बदलना चाहे। क्यों हमारे अमल ऐसे हैं कि जो हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती हैं, वरना मांगो फौरन मिलता है। हम अपने में अपने आप में खुद गौर करें, अपने नफ्स में कौन सी खराबी है, हमें कौन सा गुनाह है जो हम करते हैं जिसकी बिना पर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किताबें ढूंढें, अपने अमल पर गौर करें, अपने नफ्स का हिसाब करें, कौन सी चीज़ है जिससे हमारी माँ बाप बेख्तियार दुआ देते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारे माँ बाप को तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे इमाम ने ये कहा है कि अगर हमसे हमको राज़ी रखना चाहते हो तो अपने माँ बाप की बात करो, हमारे चाहने वालों की खबरगिरी करो। बहुत अजीम चीज़ है। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों को रोज़ा मिल गया है, ये भी शियों की बहुत कुर्बानियां हैं जो आज हम लोग चले जाते हैं ज़ियारत करते हैं। वरना अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मदीने में रसूलल्लाह की कब्र बच गई, वरना दुश्मनों ने चाहता खोद के दोबारा निकालना, रसूलल्लाह के जनाजा पढ़ेंगे फिर दफनाएंगे, उसके बाद जनाब सैयदा को दफन किया। मगर मौलाए कायनात थे तो मौलाए कायनात ने जनाब सैयदा की कब्र की भी हिफाजत कर ली। किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि जनाब सैयदा की असली कब्र कहाँ है। ये मौलाए कायनात थे, कायनात के मुश्किल कुशा हैं। सोचे तो जो अली की वजह से ये दो कब्रें नहीं खुद पाई, तो अली अलैहिस्सलाम की कब्र अगर पता चलती दुश्मन को तो क्या दुश्मन अली अलैहिस्सलाम की कब्र को नहीं खोदता? सबसे पहले अली अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी जाती है और उनके जनाजे की तशहीर की जाती है। अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग मुझे गुस्ल दे के, कफन पहना के, जनाजे में रख के, जनाजा पढ़ के खड़े रहना, आगे से खुद जनाजा उठेगा, पीछे से तुम दोनों भाई उठाना। जिन लोगों की वसीयत की थी वही लोग जनाजे में शामिल थे और नजफ की तरफ ले जाना। जिस वक्त अली अलैहिस्सलाम का जनाजा गया है, देखिए ये भी अल्लाह का मौजिज़ा था, नजफ पे अशरफ में रास्ते में तो चल रहे हैं काफ़ी मजमा है, मगर किस तरह अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम की कब्र की हिफाजत कर ली। उस जगह पर का जनाजा उतरा है कि जहाँ पर जनाब आदम और जनाब नूह की कब्रें हैं। अली अलैहिस्सलाम की कब्र उससे पहले खुद गई थी। अल्लाह ने दो नबियों के बीच में अली अलैहिस्सलाम को रखा। सालों वो कब्र किसी को पता नहीं चली कि मौलाए कायनात की कब्र है कहाँ। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अक्सर जाते थे, कभी कभी जो बहुत मोतबर सहाबी होता था इमाम बता देते थे कि यहाँ पर अली अलैहिस्सलाम की कब्र है, हर किसी को नहीं पता था, बहुत मोतबर शख्सियत हो। यहाँ तक के हारून रशीद आ गया खिलाफत पर, जिसने बहुत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कत्ल किया है, अब्बासी खलीफा। एक दिन इसने कहा चलो हम शिकार के लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए निकला। इसने अपने साथ शिकारी कुत्ते लिए और ये जो है जो चला, जब बगदाद की तरफ से जब नजफ की तरफ आया तो इसने देखा, इसके कुत्तों ने देखा कि कुछ हिरने चर रहे हैं, हिरन है, हिरन चर रही है, कुत्ते शिकारी थे, दौड़े हिरन के पीछे। एक छोटी सी पहाड़ी जैसी थी, बहुत छोटी सी, हिरन उसके ऊपर चढ़ गई और वहाँ मुतमईन खड़ी हैं। देखिए जानवर भी अपने जान के खौफ से घबराता है, मगर हिरन एकदम खामोश, एकदम बेखौफ चल रही हैं और कुत्ते ऊपर जाते नहीं, कुत्ते नीचे ही हैं। बादशाह था, अल्लाह ने जब मनसब देता है तो उसके मुताबिक अक्ल भी देता है। एक आम इंसान की अक्ल और होगी,
एक आलिम की अक्ल और होगी, एक मर्जा की अक्ल और होगी, बादशाह की अक्ल और होगी। इसी तरह उनके यहाँ की तरबियत भी होती है। बादशाह के बेटे की तरबियत हम लोगों की तरह की लोगों में नहीं होगी, उसको बादशाही उसूल आना चाहिए। कैसे अमीरों से बात करना है, कैसे वजीरों से बात करना है, किसी मुल्क में जाना है तो किस तरह से बात करना है, वैसी तरबियत होगी। इसी तरह इमामजादों की तरबियत अलग होती है। तो हारून ने देखा, बुला लिया कुत्तों को, फिर कुछ देर के बाद में उसने कुत्ते छोड़ दिए, हिरन नीचे आ गए। जब हिरन नीचे आ गए तो उसने फिर कुत्ते छोड़ा, फिर कुत्ते भागते हुए गए, फिर हिरन ऊपर चले गए, कुत्ते नीचे हैं। दो तीन बार उसने ऐसा किया। कहीं माजरा क्या है, कुत्ते ऊपर नहीं जाते और हिरन जब कुत्ते आते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं, इत्मीनान से रहते हैं, कोई ना कोई बात ज़रूर है। उसने कहा यहाँ के जो रहने वाले हैं और बुजुर्ग लोगों को बुलाना। उसके सिपाही गए अतराफ के गांव से, जो बहुत वाकिफ कार थे, बुजुर्ग को बुलाया। उसने देखा, जानता था ये हारून है और ये इसके बादशाह के सिपाही हैं। भले वो बादशाह हारून ना जानता होगा, मगर ये है कि बादशाह के आदमी हैं। हारून ने पूछा, बताओ कि ये आखिर क्या है, जब शिकारी कुत्ते जाते हैं तो शिकारी कुत्ते ऊपर नहीं जाते हैं और हिरन ऊपर जाके बेखौफ हो जाते हैं, वजह क्या है? वो कहता है मुझे नहीं मालूम। वो कहता है नहीं, तुमको मालूम हो, जो मालूम हो बताओ। वो कहता है नहीं, मुझे पता ही नहीं। वो कहता है मैंने तुमको जान का अमान दिया, तुम जो भी बताओगे तुमको कोई नुकसान नहीं। जब उसने बहुत पूरी तरह से अहद ले लिया तब बताया कि मैं जब बहुत छोटा सा था, मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पर जब आया था तो मेरे बाबा ने कहा था कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यह मौलाए कायनात की कब्र है। अब जब इसने सुना कि मौलाए कायनात की कब्र है तो इसने कहा कि ठीक है। फिर उसने इमाम की कब्र के अतराफ में बाउंड्री खिंचवाई और कुछ उसमें काम किया। सोचें, मौलाए कायनात का ज़माना और शहादत और सातवें इमाम का ज़माना आ गया। इतने दिन मौलाए कायनात की कब्र पोशीदा रही। अल्लाह की जो मदद करता है, अल्लाह उसकी कैसी मदद करता है। हम लोग आयत से देखें, अपनी जानें कुर्बान की अगर अल्लाह ने उनकी जानों की कैसी हिफाजत की। अब जब ये बात पता चली, 300 हिजरी के करीब ईरान का आले बोया खानदान, इनको खजाना मिला, बड़ा खजाना मिला। देखिए ये भी एक इंसान, अल्लाह भी ज़र्फ देख के चीज़ें देता है और ज़र्फ में से टपकेगा वही जो ज़र्फ में होगा। अल्लाह हर किसी को दौलत नहीं देता है, किसी को दौलत देता है तो काफिर भी हो जाता है और किसी को दौलत देता है तो दुनिया में ही जन्नतें बना लेता है। हर किस्म के अलग अलग लोग हैं। अल्लाह ने अपनी हर किताब में हर इंसान के बारे में लिखा हुआ है। आले बोया खानदान को खजाना मिला, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते। आज सऊदी बैठा है ना बादशाह बन के, कमोड भी सोने का बनाया है। घर की हर चीज सोने की बना ली, मगर आले बोया खानदान ने कर नहीं। मौलाए कायनात का रोजा तामीर करेंगे, मौलाए कायनात के रोजे पे काफी दौलत उन्होंने खर्च करके रोजे की तामीर की। ऐसे वैसा घर नहीं तामीर हुआ है, रोजा बना था। अब सोचे जब रोजा बना है तो अब रोजे का जो है तो इफ्तिता होना है। अब सारे बड़े बड़े शायर बुलाए गए, भाई शायर मौलाए कायनात को शिया अगर पहला मानते हैं तो सुन्नी चौथा मानते हैं, तो सारे लोग आएंगे, सारे शायर आए। मुर्तज़ा मुतहरी का ज़माना है, अब सारे शायर आए। उसमें एक गरीब शायर है हुसैन बिन हज्जाज, मगर अहले बैत की शान में बहुत अच्छे कसीदे लिखने वाला,
और गरीबों की कहीं पर भी रुसवाई रुसवाई है, बेचारों को कभी नाम नहीं मिलता है। आज भी बहुत से गरीब ऐसे शायर हैं कि जिनके कलाम सुनने के इंसान का दिल फट जाता है, मगर चूंकि उनकी सिफारिश करने वाले कोई नहीं है, उनके लिए कोई चैनल नहीं है, मगर वो जो करते हैं उसमें जो खुलूस है और जो कमा रहे हैं उनमें बहुत फर्क है। जो सिर्फ और सिर्फ लिखते ही अहले बैत की शान में है, या उनकी फजाइल या उनके मसाइल, उनको दुनिया से कोई वास्ता नहीं, उनको कुछ मिले या ना मिले, उनको दो वक्त की रोटी मिल जाती बहुत है, उनके घर वाले बड़ी सादी जिंदगी गुजार के मर जाते हैं, मगर घर वालों को भी इसकी फिक्र नहीं। क्यों? कि अहले बैत का जिक्र करते हुए ये हर एक को शरफ नहीं मिलता है। हुसैन बिन हज्जाज, अब जब सारे शायर पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे शेर हुए हैं कि कहते हैं ना कि शियों के दिल बाग बाग होते हैं। कोई हुसैन बिन हज्जाज को मौका ही नहीं दे रहा है पढ़ने का। सबसे आखिर में जब इसने कई बार कहा तो कहा ठीक है पढ़ो, जिस वक्त हुसैन बिन हज्जाज ने पढ़ना शुरू किया, बेहतरीन कसीदा पढ़ा, कसीदा पढ़ते 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 अली अलैहि सलाम की शान में आते आते खिलाफत पे आया। जैसे ही पहले दूसरे तीसरे का चला, अब चूंकि वहाँ दोनों हैं कहीं फसाद ना हो जाए, मुर्तजा मुतारी ने सलवार भिजवा दी, कहा बस बस इसके आगे नहीं पढ़ना है, बस हो गया। हुसैन बिन हज्जाज को बड़ा अफसोस, मैंने बड़ी मेहनत करके लिखा था, मेरी हौसला अफजाई नहीं की, मुझे रोक दिया पढ़ने से। गरीब आदमी एहसास करता है इतने पैसे वालों के दरमियान में मेरी तारीफ नहीं की तो मुझे रोका क्यों। नहीं, इंसान एहसास से कमतरी जब महसूस करता है तो उसका दिल बहुत ही टूट जाता है। इसने अपने इमाम से कहा, मौला मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मुझे इन लोगों ने कोई दाद नहीं दी। इमाम हुसैन बिन हज्जाज के ख्वाब में आया था, हुसैन फिक्र नहीं करो, तुमने बहुत अच्छा लिखा था और तुम मुर्तजा से, मुर्तजा हमारा बेटा है, उससे नाराज़ नहीं हो, और कल मुर्तजा तुम्हारे पास आएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा, तुम माफ़ कर देना, और तुम्हारी इज्जत के लिए मैं इतना करूँ कि जब मुर्तजा दस्तक दे तो तुम दरवाजे पे जाना नहीं उसके इस्तकबाल के लिए। मुर्तजा मुतारी बहुत जैद उलमा में से और इमाम के इमाम सादे हैं, इमाम कहते हैं कि वो जब आएंगे तो तुम उनके इस्तकबाल को जाना नहीं दरवाजे पे, वो खुद आएंगे तुम्हारे घर में। इधर मुर्तजा मुतारी इमाम ख्वाब में आए, वो चाहते हैं सलाम किया और इमाम ने जवाब दे दिया था, मेरे आका आप अपने बेटे से नाराज़, क्या वजह है? कहा क्यों तुमने हुसैन बिन हज्जाज को पढ़ने नहीं दिया? उसका दिल टूट गया है, वो तुमसे नाराज़ हो गया है, जब तक तुम उसको तुमसे राज़ी नहीं होगा मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये इमाम है, इमाम किस तरह नसीहत करते हैं, इमाम कहते हैं जाओ उससे माफ़ी मांगो, और कल जब तुम माफ़ी मांगने जाओगे तो वहाँ पर वो तुम्हारा इस्तकबाल उठेगा नहीं, और उसको आले बोया ख़ानदान के पास ले जाना, उसका तारुफ करवाना, वो एक गरीब है, उसका महीना बनवा देना, वजीफा बनवा देना। इतनी नसीहत करके तो सुबह मुर्तजा मुतारी गए, तो उन्होंने आवाज़ दी, दरवाज़ा खटखटाया, कहाँ अंदर आ जाओ, और जिन्होंने तुमको भेजा है ना, देखो कितना सीधा साधा शायर, वो कहते हैं जिन्होंने तुमको भेजा है ना उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे इस्तकबाल को नहीं उठूँ, इसलिए आ जाओ। ये अंदर आए, मुस्कुरा कर दे, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने की थी गलत नियत से नहीं, कब मैंने तुमको माफ़ कर दिया, कब चलो मेरे साथ। ले के गए आले बोया ख़ानदान के पास, बताया कि ये इमाम का बहुत ज़्यादा, इस पे इमाम की नजर करम है, ये इमाम का बहुत शफीक है, बहुत करीब है। मुर्तजा कहते हैं इसको
कुछ ना कुछ उनको उन्होंने महीने का वजीफा बांधा और इनाम और इकराम अलग से दिया एक सलवार के। यकीनन जब एक शायर को इमाम इतना नवाज सकते हैं तो क्या हज़रदारों को इमाम नहीं देंगे? करके देखें, इमाम की खिदमत करें, इमाम के लिए खर्च करें दिल से, जो भी है मौला ये आपका दिया हुआ है, आपका सदका है। यकीनन नादिर शाह दुरानी, ये ईरानी बादशाह, ये जिस वक्त बादशाह बन गया, आखिरी दिन था, जिस रात वो कत्ल होने वाला है, उसकी पहली शब में उसने ख्वाब में देखा कि एक शख्स इन्हें परेशान है, तो जो उसके साथ में बहुत ज़्यादा करीब है एक वज़ीर की हैसियत से, मगर हर बात उससे कहता है, हसन बिन अली, बड़ा ये बेचैन है, सारा दिन बेचैन रहा। तो उसने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, बादशाह हो? तो कहता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे कैसे बयान करूँ। कहता फिर भी, तो कहता है कि मैं बता तो रहा हूँ, मगर मैं जो बता रहा हूँ वो तुम किसी से बताना नहीं, अगर मैंने सुन लिया तो तुम्हारी गर्दन मार दूँगा। कहता नहीं बताऊँ। वो कहता है कि ये जो हुकूमत मिली है, उस रात मैंने ख्वाब देखा था कि दो मामूर शख्स हैं, वो मुझे बहुत इज्जत और एहतराम से एक जगह लेके गए। वहाँ जब मैंने जाके देखा तो 12 नूर थे और वहाँ मुझे ले जाके खड़ा किया। तो एक शख्सियत खड़ी हुई, बड़ी नूरानी थी, और उसने मुझे बादशाही लिबास बनाया और तलवार मेरी कमर में हमायल की और कहा कि ईरान की फतह के लिए तुमको भेज रहे हैं, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करना। वो कहता है मैंने जब ख्वाब देखा था उसके बाद मुझे बादशाहत मिली। बादशाही दौर में उसने अली अलैहिस्सलाम के रोज़े को बहुत सजाया, बहुत धीरे लगे थे इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ थी, अली अलैहिस्सलाम का नजफ इतना ज़्यादा, तो नजफ उसने अली अलैहिस्सलाम के रोज़े को भी बनाया, मगर उसने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो कहता है जब ख्वाब देखा था तो बादशाही शुरू हुई, आज रात मैंने ख्वाब देखा वही मामूर आए हैं जो मुझे इज्जत और एहतराम से ले गए थे, आज वही मामूर आए और मुझे घसीटते हुए उनके पास ले गए, और जिन्होंने तलवार मेरी कमर में बांधी थी उन्होंने मेरी तलवार कमर से निकाली और मुझे धक्का दे के जाओ यहाँ से। क्या इसलिए तुमको मामूर किया था, मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? मैं सारा दिन बेचैन, क्या होगा मेरे साथ? कहता है कुछ नहीं, ख्वाब था, मगर जब वो सोया तो सुबह में उसका सर तन से जुदा हुआ। इतना अलर्ट इंसान को रहना चाहिए जैसा हमारा इमाम रहीम और करीम है। तो अगर जुल्म करेगा इंसान तो इमाम जालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इतना नादिर शाह दुरानी इतना अकीदे में था कि जिस वक्त वो नजफ आया ज़ियारत के लिए रोज़ा बनाने के बाद, उसने रास्ते में देखा एक नाबीना भीख मांग रहा है। रिवायतों में कई बीमार खड़े थे, कोई अपाहिज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, एक
नाबीना है, नाबीना से पूछा कब से मांग रहे हो, क्योंकि मांगते ना फकीर, अभी हम लोग देखते हैं फकीर अल्लाह के नाम पे दे दो, इमाम हुसैन के नाम पे दे दो, अली के नाम पे, अब जब नजफ का रोजे में जाने में जब रास्ता है तो यही कहेंगे ना अली के नाम पे दे दो। तो नाजिर शाह पूछता है कब से मांग रहे हो अली के वसीले से, कहा 20 साल हो गया, कहा आँखें नहीं मिली, कहा नहीं मिली, कहा मैं अंदर जा रहा हूँ ज्यारत करने, वापस आऊँगा अगर आँख नहीं आई, बिनाई नहीं आई तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। अब ये जब अंदर गया तो अब तो बिनाई नाबीना, मौला दे दीजिए नहीं तो जान के मलाले हो जाएंगे, इतना ज्यादा गिड़गिड़ाया, इतना गिड़गिड़ाया कि जब वापस आए तो आँखें आ गई। तो कहता है नादिर शाह आँखें आ गई, कहाँ आ गई, कैसे मांगो, इतना हक है हमको मांगने का, अगर हक अदा भी करना चाहिए। तो समझ लें कि ये अजा के फर्श पर किसी के यहाँ 10 साल औलाद नहीं थी, और तकरीबन उसको ये उम्मीद थी कि नहीं होगी, लोगों ने बता दिया था नहीं होगी, मगर उसने भी इतना ज्यादा एक गदीर का इंतजाम, बेहतरीन गदीर का जश्न, और दूसरे जिस वक्त जनाबे सैयदा का ताबूत सजा, पूरी मजलिस भर वो कोशिश और चादर पकड़े बैठी रही कि अगर अब की नहीं हुआ मेरे, मैं मान ही नहीं सकती नहीं मिलेगा, मुझे आप ही से चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको दे दी लड़की भी 10 साल के बाद। इतना अकीदे से मांगे, खाली डॉक्टरों पर अकीदा नहीं रखे, इमाम से मांगे, चांद रात से शुरू कर दे ज्यारत आशुरा का अमल, 100 सलाम 100 लानत के साथ, घर नहीं है घर मिलेगा, औलाद नहीं औलाद मिलेगी, बीमारी है तंदुरुस्ती मिलेगी, ज्यारत आशुरा का अमल 1 साल मुसलसल बगैर किसी नाबा के, हम डॉक्टर के यहाँ जाके 4-4 घंटा लाइन लगाते हैं बिला वजह की, सोनोग्राफी ना ये ना वो, उसमें लाखों खर्चा करते हैं, मगर तबीबों का तबीब हमारे इमाम हैं, और अगर नहीं मिला तो जनाब इमाम हुसैन की बहन को याद करें, जो इमाम राहिब को 7 बेटे दे सकता है वो अपनी बहन को एक बच्चा नहीं दे सकते, शहजादी को उसको याद करें, अल्लाह से कभी छीने नहीं, अल्लाह से इमाम के वास्ते से मांगे खैरात ई सदका, यकीनन हमारी चोरियाँ बढ़ जाएंगी। हमको मोहब्बत दी ना, क्या हमने मांगी थी मोहब्बत, बगैर मांगे हमको मोहब्बत दी है तो इस मोहब्बत का हक अदा करो, और मोहब्बत का हक अगर अदा किया है तो करबला वाली है, खुसूसन 7 मुहर्रम को। अभी लोगों ने ये झगड़ा किया है कि जनाबे कासिम की शादी कैसे हो सकती है, हमको इस झगड़े में जाने ही नहीं है, क्योंकि शादी ना उसूले दीन है ना फुरोए दीन है, अखलाकियात में आ जाएगी, मगर जो चीज़ें करबला में हुई हैं, इस घर में पानी ना हो, मगर इमाम ने मेहमानी की कि नहीं की, जनाबे हुर भी मेहमान आए, जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर भी मेहमान आए, क्या इमाम ने पानी नहीं होने की भी जबीना पर क्या इमाम ने मेहमानी नहीं की, यकीनन इमाम ने हर वो काम अंजाम दिए हैं। तो करबला समझ लें कि हमारी पूरी ज़िंदगी का दर्स है, बहुत सी माओं के कुंवारे लड़के मरे 18-19 साल के, तो इमाम का अली अकबर गया, यानी वो माओ को सब्र नहीं आता अगर जनाबे अली अकबर की शहादत नहीं, कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, वो रबाब को याद करती है, जनाबे अली असगर की शहादत याद करती है तो माओ को सब्र आ जाता है, 9-10 साल के बच्चे जब मरते हैं तो जनाबे जैनब को याद करते हैं, इसराने मुस्लिम को याद करते हैं, करबला में 32-34 साल का
जब जवान मरता है तो जनाब अब्बास को याद करते हैं, कोई बूढ़ा मरता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। करबला हमारी दर्सगाह है, हमारे सब्र और तस्कीन का सामान है करबला। मोमिन का दिल बहुत नर्म होता है, मोमिन फट जाता दिल, मगर परवरदिगार ने मोमिन के लिए करबला रखी जो दोबारा कभी नहीं होगी, करबला नहीं होगी। मगर करबला वाले अंसार और आवान की ज़रूरत है इमाम को, जब तक वो 313 तैयार नहीं होंगे इमाम नहीं आएंगे। तो करबला जनाब उम्मे फरवा 3-3.5 साल के थे जनाब कासिम, जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। अब जनाब फरवा का कासिम है जो मिसले इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 10 साल जो खिलाफत के गुजारे हैं, माविया लानतुल्लाह के सामने गुजारे हैं, वो माविया जो हर वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जलील करने के लिए आमादा रहता था, सलवात भेजता अक्सर मजलिसों में जब इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम आता है तो सलवात नहीं होती है, यानी आज भी इमाम मजलूम है। दूसरे इमामों पे हम बहुत तवज्जो के साथ सलवात भेज देते हैं, मगर बहुत हमारे दूसरे इमाम का ज़माना बहुत सब दूसरा है, जिसने अपने नाना का ज़माना देखा। एक वाहिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि जिसने अपनी माँ को ताजियाना खाते हुए देखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। इतना मेरा इमाम मसलूम है, और माविया के मकर फरेब ने इमाम हसन के ये इतने ज़्यादा जाल बने थे कि आज बहुत से शिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मर्तबे से नावाकिफ है। मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फजीलत ये कि वो इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। खलीफाए बिलाफस में मौलाए कायनात पहले इमाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। एक मरतबा कहत का ज़माना हुआ, माविया ने ऐलान किया कि जिसको जितना चाहिए आप हम देंगे, कर्जदार हो, घर चलाने को नहीं है। सारे लोग पहुँचे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी गए। इमाम जो है तो काफ़ी देर बाद पहुँचे, ये बैठा हुआ है अपनी जगह से उठा नहीं। जब इमाम पहुँचे हैं अपनी जगह से उठा नहीं, यानी इस कदर जैसे एक आम आदमी, इमाम ने कोई तवज्जो नहीं की। इज्जत का वो तलबगार होता है जिसके पास इज्जत नहीं होती है, जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, वह तो इज्जो मंदशा वह तो जिल्लो मंदशा। तो इमाम को किसी बेइज्जते से इज्जत की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, जो इंसान किसी का एहतराम नहीं करता है वो अपनी नस्ली आदत को बताता है कि हमारे माँ बाप ने हमको ये सिखाया है। ये चौथे इमाम ने बात बताई, जिसके जो तरबियत जो उनके आबा अजदाद में चली आती है वो हम में आती सिखाती है। तो इस तरह से जिस वक्त सब जाने लगे, ले लेके निकल रहे हैं, ये माविया लानतुल्लाह कहता है आप इतनी देर से इसलिए आए कि आप जो मुझसे मांगेंगे अगर मैं नहीं दूंगा तो आप लोगों से कहेंगे मैंने तो माविया से इतना मांगा था मगर उसके ख़जाने ख़त्म हो गए थे। मगर आप कहिए आपको जितनी ज़रूरत है मैं उतना दूंगा आपको। मैं हिंद का बेटा हूँ, मैं हिंदा का बेटा हूँ, जैसे उसने कह दिया। इमाम ने कहा मैं 10,000 दिरहम का कर्जदार हूँ, का 10,000 दिरहम दे दो इमाम से। इमाम से खजानची ला गए 10,000 दिरहम लेके आया, 10,000 और आए, यानी इससे कर्ज अदा करिएगा, इससे खर्च करिएगा, ये गरीबों में देगा, 20,000 दिरहम आ गए। हम आप होते तो शायद ले लेते।
अगर माविया दे भी रहा है तो बैतुल माल की रकम दे रहा है, इमाम का हक है वो तो, इमाम के खजाने हैं। अगर इमाम हम जैसे होते तो बोलते तू क्या कमाल कर रहा है, मेरा ही तो है तो हक लेके बैठा है, मगर मेरे इमाम इमाम हैं, कोई जवाब नहीं। इमाम खड़े हुए, एक शख्स ने पैसे इकट्ठा किए, जैसे इमाम दरवाजे तक आए जो जूती रख सीधी करता था वो अहले बैत का चाहने वाला था, वो आगे बढ़ा, उसने इमाम के लिए जूती सीधी कर दी, इधर उसने चप्पल सीधी की, इमाम कहते हैं पैसे इसको दे दो, इसने मेरे एहतराम में मेरे जूते सीधे किए। और माविया को इशारे से कहा कि देख मैं फातिमा का बेटा हूँ, इमाम को पैसों की जरूरत नहीं थी। ये एक वाक्य से पता चलता है कि वो इमाम के साथ क्या सुलूक करता हूँ। और इसी ने जोधा बिन अशस शहर भेजा है और लालच दी थी कि मैं अपने बेटे यजीद से तेरी शादी करूँगा और इतने इतने हज़ार दीनार दूंगा तुझे और यहाँ शाम में तू रानी बनकर रहेगी। ऐसा जहर था कि अगर एक कतरा दरिया में डाल दिया जाता तो सारी मछलियाँ मर जाती। और वो जहर जोधा बिन अशस ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े गिरे हैं। समझ लें कि दश्त में जो टुकड़े गिरे और जिस वक्त जनाब ज़ैनब आ रही हैं तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं परवाह इसको ढाल दो, मेरी बहन मेरे कलेजे के टुकड़े नहीं देख सकती। जिस वक्त इमाम हुसैन आए इसरार इमामत किया तो भैया कहाँ है वो जहर की बाटल, मैं खुद पी लूँ, मैं आपके साथ चलूँगा नहीं। उसे नाम तक नहीं बताया इमाम ने। जिस वक्त गुस्ल हुआ कफन हुआ, जिस वक्त जनाजा चला है, इमाम हसन ने अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर ये लोग नाना के पहलू में मुझे जगह नहीं देंगे हुसैन तो मुझे बक्की में दफन कर दो, क्योंकि इमाम जानते थे जनाजा ले के जब चले सोचे उस वक्त जनाब अब्बास मौजूद थे, इसलिए जनाब अब्बास पे बहुत गिरिया होता है कि इतना शुजा और हर वक्त अपने आकाओं के मुत्ती और फरमा बरदारी में खड़े रहते थे। और जिस वक्त रसूलुल्लाह के रोज़े के पास चला जनाजा तो रसूलुल्लाह की एक सौजा जिन्होंने कहा मैं अपने हुजरे में दफन नहीं करने दूँगी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन नहीं करने दिया बल्कि तीरों की बारिश की है। ये मुसलमान थे मदीने में, अगरचे साथ नहीं दे रहे थे तो जब तीर चले हैं तो इतना तो कह सकते थे रसूल का नवासा है तुम नहीं दफन करने दो मगर तीर तो नहीं चलवाओ। तीर जनाजे में भी लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म में लगे। एक मरतबा जनाब अब्बास दौड़ते गए तब मुझे तलवार दी अम्मा, तो पीछे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अब्बास मदीने में तलवार नहीं उठाई, उनको करबला के लिए तैयार किया है। जनाब ज़ैनब के सामने इतना रुके हैं जनाब अब्बास कि आका मुझे इजाज़त नहीं देते, अब्बास के होते हुए भैया का जनाजा वापस आ जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा जनाब ज़ैनब से कि तीर निकालो, यहाँ तक लाने का मकसद ये था कि उस वक्त 3.5 साल के जनाब कासिम थे और जनाब कासिम जनाब फरवा की गोद में थे। एक माँ थी बेटे को देखा है यतीम, कहती है कासिम अगर तू जवान होता तो शायद तेरे बाबा का लाशा दोबारा नहीं आता। 3.5 साल के कासिम कहते अम्मा ये मदीना है, यहाँ पे मेरे चचा मौजूद हैं, तो बाबा का लाशा आ तो गया, अम्मा मैं वादा करता हूँ मैं जाऊँगा तो मेरा लाशा वापस नहीं आएगा। करबला में
जनाबे उम्मे फरवा को बड़ा अरमान था मेरे बेटे की मेहंदी रचूंगी। हम 7 तारीख को मेहंदी सजाते हैं और यही कहते हैं, बीबी आपका अरमान पूरा नहीं हुआ। हम करबला में नहीं थे बीबी, मगर आइए हमने आपके लाल की मेहंदी सजी है। बीबी हमने आपके अरमान को पूरा किया है। बीबी जो जो लड़के और लड़कियां शादी के काबिल हो चुके हैं जनाबे कासिम की शादी के सदके में, उनकी मेहंदी के सदके में, उनके जल दर जल सेरे के फूल खिला दें। जनाबे उम्मे फरवा को हम आवाज़ देते हैं, जिस वक्त शब आशूर इमाम एक एक के नाम फहरिस्त से बता रहे हैं तो जनाबे कासिम कहते हैं, चचा मेरा नाम भी है ना। तो इमाम कहते हैं, अच्छा कासिम ये बता मौत तेरे लिए कैसी है। कहते शहद से ज्यादा शीरीन है चचा। तो इमाम ने गले लगाया, का तेरा नाम भी है, तेरे भैया अली असगर का भी नाम है, तो गैरतदार है ना, अली का पोता है। कहते चचा क्या फौज हल में आ जाएगी कि जो अली असगर भी शहीद होगा। गैरत का ये आलम है जनाब कासिम की, का ये बाद में बताऊंगा। आशूर की सुबह आई, एक एक आवान और अंसार में शहीद हुए। एक मरतबा जमाना जनाब उम्मे फरवा कहते हैं, कासिम तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी दादी से मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। हाथ जोड़ के कहती हूँ उम्मे फरवा, कासिम अगर तेरा बाबा जिंदा होता तब मैं तुझसे कोई इल्तिजा ना करती। कहते अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। कह के अपना सर जानू पे रखा, सर झुकाया था कि बाजू पे हाथ गया, देखा कि बाजू पे तावीज बंधा है। बहुत छोटे थे ना, वो जुमला याद आया हुसैन हसन का कि बेटा कासिम जब तेरा चचा हुसैन जालिमों में घिर जाएगा तो तू मदद के लिए आमादा हो जाना, तू साथ में अपने चचा के जंग करना और शहीद हो जाना। एक मरतबा तावीज खोला, अब बाबा की तहरीर पढ़ी, दौड़ते हुए आए, साथ में उम्मे फरवा आई। किसी ने कहा हुसैन आपकी भाभी आई है। सलाम किया उम्मे फरवा ने, कहा कि मैं गरीब बेवा, मेरे पास सिवाय इस कुर्बानी के, इस हदीये के और कोई नहीं है, आप इस हदीये को कबूल कर लीजिए, मुझे अपनी माँ के सामने सुरखरू कीजिए। इमाम हुसैन रोने लगे। जनाब कासिम ने जल्दी से बाबा की तहरीर दी, भाई भाई हमेशा साथ रहे। जैसे ही भैया की तहरीर खोली, भाई याद आ गया, आंखों से लगाया, मुंह से चूमा, चीख मार कर रोए। जनाब कासिम को गले से लगाया, कि जब भैया की याद आती थी कासिम मैं तुझे देखता था, दिल को सुकून मिलता था। जनाब कासिम से कहते कैसे तुझे भेज दूं, तेरी माँ का तू सहारा है, तेरी माँ तेरी मेहंदी सजने की उम्मीदें लगाए है। जनाब फरवा कहती है खून से मेहंदी सजूंगी मेरे कासिम की। एक मरतबा संदूक मंगवाया अली इमाम हसन के जो तबरुकात थे जनाब कासिम को पहनाए, कुर्ता पहनाया, जीरा पहनाई, अबा पहनाई। जब अमामा बांधने लगे ना तो कहते इमाम हुसैन जब अमामा बांध रहे हैं तो उसके 2 हिस्से किए, ऐसा बांधा था जैसे कि मुर्दे को कफन बांधते हैं। और बांधने के साथ कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा पर्दा दुपट्टे का कोना हटाया मामे का, कहते बिल्कुल मेरे बाबा की छवि है, दूसरी तरफ से मेरा भैया असर नजर आ रहा है। ये फूल से बदन को कैसे मैं इजाजत दूं। एक मर्तबा 13 साल का सिन है जनाब कासिम का, बहुत छोटा कद है, वो गोद में लेके घोड़े पर बिठाया, छोटी सी तलवार हाथ में दी। कासिम मैंने अल्लाह के हवाले किया, रकाब में पैर किसी तरह पहुंच गया, आ गए रजस पड़ा, तुम जानते हो अरे मैं हसन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, अब पास मेरा उस्ताद है, भला मुझसे मुकाबले की ताकत है।
एक मरतबा उमर साद कहता है अर्जक चला जाए इसके मुकाबल में, वो कहता है अरे इतने छोटे बच्चे को मैं हजार सिपाहियों पे ज्यादा हूँ, मैं हजार सिपाहियों पर वर हूँ। कहता है मेरा लड़का एक काफ़ी है, एक लड़का गया वासीले जहन्नम, दो गया वासीले जहन्नम। जब चारों बेटे चले गए एक मरतबा अर्जक आया लहराता हुआ तलवार, इमाम ने हाथ तू बदन बदन बुलंद किए, परवरदिगारा मेरा कासिम दो दिन का भूखा प्यासा है। अर्जक नामी, अरे हजार सिपाहियों पर वर है, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक मरतबा हुसैन की दुआ कबूल हुई, एक कासिम ने जो वार किया सर से लेके घोड़े तक के कदा कर दिया। आवाज बुलंद की है कोई जो आ जाए कासिम के मुकाबले में? उमर साथ कहता है अरे यानी का पोता है, एक साथ हमला करो। अब जो आ गए शुजात में ऐसे होश खो बैठे, जोश में जो पैर उठाया एक पैर रकाब से निकल गया, दुश्मन ने देख लिया इतना दुश्मन ने घोड़ा दौड़ाया है। कहते यहाँ की फौज उस तरफ, मैमिने की मैसरे की तरफ, अरे जनाबे कासिम जिंदगी में घोड़े में संभल ना सके, घोड़ा दौड़ा है और सिपाही उसके ऊपर से चल दिए, आवाज दी चचा दरिगनी। कहते जितनी तेजी से जनाबे कासिम की आवाज पे दौड़े हैं, इमाम हुसैन उतनी तेजी से किसी पे नहीं दौड़े। मगर जब पहुंचे हैं ना तो कहते हैं घोड़े की टापों से फूल सा बदन टुकड़ों में बढ़ गया था। जाके एक आलिम दीन जो बहुत ज्यादा इमाम से करीब थे, वो एक जुमला कहते हैं कि ये जुमला मेरे सामने कभी ना पढ़ना। इमाम ने जनाबे कासिम के लाशे पे हाथ रखा था, कहा कासिम अपने चचा को माफ कर देना, आने में देर हो गई, अब जो चाहते हैं लाशा उठाना। तो इमाम से लाशा नहीं उठा, अपनी अबा फैलाई, लाश के टुकड़े उठा के रखे, एक छोटी सी गठरी बन गई। गठरी लेकर आए खेमे में, जनाबे फरवा सर झुकाए बैठी है, जो जुमला याद आया फरवा को, एक मरतबा कहती आका क्या मेरे कासिम की लाश नहीं आई? ये सुबह से लाशों पे लाशें आ रहे थे, सुबह से लाशों पे लाशें आ रहे थे, क्या मेरे कासिम की लाश नहीं आई? इमाम ने गठरी खोली, भाभी जो मिल गया वो ले आया, कासिम की लाश जिंदगी में पामाल हो गई, लाश टुकड़ों में बढ़ गई। امام وقت کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم شیعوں کے گروہ کو متحد، ہمارے دلوں سے خود سے نفاق کو دور کر دے، تمام بیماروں کو شفائے کلی نائل۔